ये तभी की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरा दोस्त एंथनी, उसने मुझे एक रात के लिए उसके घर बुलाया था क्योंकि उसके मॉम डैड एक हफ्ते के लिए बाहर हॉलीडेज के लिए जा रहे थे। मैं साइकिल से राइड करते हुए उसके घर पहुंचा। हमने बेसिकली हर वीडियो गेम खेला जो उसके पास थे, फ्रॉम फीफा टू ऑल द वे टू कॉल ऑफ ड्यूटी। पॉपकॉर्न और जंक फूड पूरे फ्लोर पे फैला हुआ था। As the night progressed, we moved on from video games to watching movie. फिर उसके बाद हमने prank call करना चालू किया। कुछ रात के 10 बज रहे थे तभी हमने prank call करना शुरू किया। Anthony ने कुछ pizza places पे phone किया और उनको prank किया। जब मेरा turn आया तब मैंने randomly एक number कोई dial किया, hope में कि कोई phone उठा ले। कुछ फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट पे मेरा फोन किसी ने रिसीव किया। एक आदमी जिसकी आवाज डीप और रफ थी, उसने फोन को आंसर किया है ये इंस्टेड ऑफ हेलो। अल्टीमेटली एंथनी मेरे पीछे बैकग्राउंड में हंस रहा था, तो मुझे मेरे सेंटेंस फॉर्म करने हो नहीं रहे थे और मैं अपने सेंटेंसेस में स्टम्बल कर रहा था। अल्टीमेटली मैं खुद हंस पड़ा। मैंने इसके पहले कभी प्रैंक कॉल किए नहीं थे तो डेफिनेटली आई सक्ड एट इट। लेकिन जो आदमी मेरे से बात कर रहा था वो एकदम साइलेंट था, तो तभी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाया। कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरह हुआ, सर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके कार से कोई टायर निकाल लूं? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम बॉब है। रियली? आर यू श्योर तुम्हारा नाम एंथनी नहीं है? ये सुनते ही मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझ पर ब्रेक मार दी हो। मैंने एंथनी की तरफ देखा, उसकी शक्ल तो पहले से ही फुल ऑफ फियर थी। मैंने फोन काट दिया यही सोचते हुए कि वो जो कोई भी था उससे अब मुझे बात नहीं करनी है। एंथनी, हु द हेल वाज दैट? मैंने उसे पूछा। आई डोंट नो, उसने मुझे कहा। तुम्हारा कॉलर आईडी या फिर डिस्प्ले तुम्हारा नाम फ्लैश करता है? नहीं, इट शोस माय डैड्स नेम, उसने कहा। हम पीसी पे बैठे और सर्च करने लगे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि किसी का नाम किसी को दिखे उनके फोन नंबर थ्रू। ये कोई सेंस नहीं बना रहा था कि वो आदमी एंथनी का नेम कैसे गेस कर, वो भी इतने जल्दी। वो तभी काफी यंग था कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी साइट्स पे शेयर करे। हमने एंड अप किया ये सवाल याहू आंसर्स पे पूछते हुए, लेकिन किसी को ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्वेश्चन का किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो उसके डैड को कॉल करे, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने किसी को इनवाइट किया ये बताऊंगा तो डैडी बहुत चिल्लाएंगे, सो ही डिडंट वांट अ कॉल। तो हमने सोने का प्लान लिविंग रूम में ही बनाया, तो हमने लिविंग रूम में ही मूवी देखना रिज्यूम किया जो कि हम लोग ने आधी ही फिनिश की थी। वो फोन कॉल जो अभी हुआ था वो अभी भी हमारे माइंड में चल रहा था। तभी एंथनी और मैंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जब हमको आवाज आई दरवाजे के लॉक की विगल करने की और वो डोर नॉक टर्न हुआ, लेकिन दरवाजा खुला नहीं क्योंकि वो दरवाजा लॉक्ड था। एंथनी ने टीवी बंद कर दिया और मैं खिड़की की तरफ गया बाहर कौन है देखने के लिए। मैंने खिड़की के ब्लाइंड्स को स्प्रेड किया और बाहर देखा, वहाँ पे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने ब्लाइंड्स को मुंह होते हुए नोटिस किया और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने विंडोज के ब्लाइंड छोड़ दिए और मैं और एंथनी किचन में जाके छुप गए, लिसनिंग टू एनी फर्दर नॉइजेस। हमने बैकयार्ड गेट खुलने की आवाज सुनी, हैज बैकयार्ड गेट किचन के पास में ही था। ओह शिट, मैंने बैकयार्ड दरवाजा खुला ही रखा है। एंथनी ने मुझे अर्ज किया कि मैं वो दरवाजा बंद करके आऊं। मैं घर के हॉलवे थ्रू बैकडोर की तरफ जा रहा था, तभी मैं वहाँ पे फ्रोज हो गया जब मैंने एक बैकडोर के पीछे शैडो देखी। मैं श्योर नहीं था कि क्या उसने मुझे नोटिस किया, लेकिन मैं इतना श्योर था कि वो घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। मैं किचन में चला गया और एंथनी को इशारे में कहा कि वो मुझे फॉलो करे ऊपर की तरफ। हम ऊपर एंथनी के रूम में पहुंच गए एज क्वाइटली एज पॉसिबल और धीरे से दरवाजा भी बंद कर लिया विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। हम उसके बेड के नीचे क्रॉल करते हुए चले गए। उसके बेड का क्लॉथ नीचे तक बेड को कवर करता था, तो कोई अंदर नहीं देख सकता था अंटिल एंड अनलेस वो क्लॉथ को मूव किया जाए। नीचे का ऊपर स्टेयरकेस की तरफ आने वाला दरवाजा खुल गया और अभी उस आदमी की फुटस्टेप स्टेयरकेस चढ़ रही है ऐसे सुनाई दे रहा था। अभी वो आदमी एंथनी के रूम के बाहर आ चुका था। रूम का दरवाजा खुला, मैं एंथनी की ब्रीथिंग सुन सकता था। फुटस्टेप्स मूव होते हुए क्लोजेट की तरफ चली गई और उस आदमी ने क्लोजेट खोल दिया। उस आदमी ने क्लोजेट में पड़े हुए सारे कपड़े इधर उधर कर दिए जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। जी हाँ, हमें ढूंढ रहा हो। अब फुटस्टेप्स बेड की तरफ आई और वहाँ पे स्टॉप हो गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट मेरे चेस्ट से एक्सप्लोर होके बाहर निकलने वाला है। एंथनी की ब्रीथिंग काफी लाउड थी, इसीलिए मैंने अपने हाथ से उसका मुंह कवर कर लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंस था। थोड़ा टाइम बीत गया फिर भी वहाँ पे साइलेंस ही था। मुझे ऐसे लगा कि वो इंसान रूम से बाहर जा चुका है। तभी मैंने एंथनी के मुंह से हाथ हटाया और उसके कान में विस्पर किया कि क्या हम यहाँ से अभी भाग सकते हैं? वो इस सवाल का आंसर करने ही वाला था तभी मैंने मेरी पूरी लाइफ की मेमोरी हॉन्टिंग चीख सुनी जो कि आज भी मेरे कानों में गूंजती है। जब एंथनी को ड्रैग किया गया बेड से बाहर, मैं क्रॉल करके बाहर आया और एंथनी को उस आदमी के हाथ में स्ट्रगल करते हुए देखा। मैंने डेस्परेटली रूम के सराउंडिंग में देखा मुझे कोई वेपन मिले जिससे मैं उस आदमी पे स्टैप कर सकूं। तभी मुझे बस एक स्क्रू ड्राइवर ही ऑप्शन में दिखा। मैंने उस टेबल से स्क्रू ड्राइवर उठाया, उस आदमी की तरफ भागते हुए गया और उस आदमी के पीठ में मैंने वो स्क्रू ड्राइवर स्टैप कर दिया।
उसने एंथनी को छोड़ दिया, वो एक पेन में चला गया और हमको इतना टाइम दे दिया कि हम उस घर से बाहर निकल सके। रोड पे भागते हुए जाना वो काफी रिस्की था क्योंकि उससे उसको हमारी पोजीशन पता चल जाएगी और वो हमें चेस करके पकड़ भी लेगा। एंथनी के नेबर का हाउस बहुत ही ज्यादा दूर था तो उनके पास जाना भी ऑप्शन में नहीं बन रहा था, इसलिए हम झाड़ियों में चले गए और एक बुश के पीछे छुप के हम घर की तरफ देख रहे थे। घर का बैक डोर खुल गया, वो आदमी बाहर आया और वो आदमी बैकयार्ड के इर्द गिर्द देखने लगा, फिर वो झाड़ियों में स्कैन करने लगा। मुझे लगा उसने मुझे देख लिया जब उसकी आई लाइन हमारे डायरेक्शन से पास हुई। ऐसे लग रहा था इट वॉज टू डार्क फॉर हिम टू सी अस, और फिर उसने अपना सर हमारे डायरेक्शन में मूव किया। तभी मैं बुश के पीछे छुप गया। जोई, वो आ रहा है। क्या डूड, गेट अप, अपने को यहाँ से भागना होगा। एंथनी सच बोल रहा था, वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा था। He was approaching us very fast. हम वहाँ से भागने लगे। हमारे नीचे से जो लीव्स की आवाजें आ रही थी वो हमारा पोजीशन उसको बता रही थी, और अभी हम काफी श्योर थे कि उस आदमी को हमारी पोजीशन पता है। हम तभी रुके जब एंथनी किसी चीज से टकराया और गिर गया। मैंने एंथनी के साथ नीचे क्राउच किया, होप करते हुए कि हम काफी दूर भाग के आ चुके होंगे, लेकिन कुछ 20 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और हमें फिर से फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगी, उसी डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से हम भागते हुए आ रहे थे। वो फुटस्टेप्स स्लो हुई हमसे कुछ 2 ट्रीज की दूरी पर। हम लोग नीचे मुंह रख के लीव्स में लेटे रहे। फिर कुछ देर बाद वो फुटस्टेप्स हमसे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। हम वहाँ पे लेटे रहे जब तक हमें वो आवाज पूरी तरह आना बंद हो गई, और फिर हम वहाँ से हमारी घर की डायरेक्शन में भागने लगे। जब मैं वहाँ से भाग रहा था, नीचे लीव्स की आवाज और मेरी हैवी ब्रीथिंग की आवाज के बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे से कोई भागते हुए आ रहा है। हम उसके बैकयार्ड में पहुंच गए और उसके घर के अंदर चले गए, और इस बार हमने दरवाजे को लॉक करना भूला नहीं। हमने घर पे पहुंचते ही पुलिस को फोन किया। एंथनी पुलिस के साथ फोन पे जमा रहा और मैं किचन विंडो से पेट्रोलिंग कर रहा था कि कोई घर के इर्द गिर्द है तो नहीं। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था और मैं आज भी उसको रिग्रेट करता हूँ। मैंने किचन लाइट ऑन कर दी और इमीडिएटली तभी मैंने उसे देखा। थोड़े से ही दूरी पे झाड़ियों में था, वो झाड़ियों के पीछे चला गया और डिसअपीयर हो गया। वो आखिरी बार था जब मैंने या फिर एंथनी ने उसे देखा होगा। 5 साल बीत गए लेकिन उसके बाद हमने कभी उस आदमी के बारे में सुना नहीं या फिर देखा नहीं। सवाल ही बन के रह गया कि क्या ये सारी चीजें जो हुई थी वो क्या वो प्रैंक कॉल से रिलेटेड थी। लेकिन हाँ, ये वो कहानी है जिसमें मैं और मेरा दोस्त एंथनी ऑलमोस्ट मर ही गए थे। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में पड़ा हुआ घंटा भी जरूर दबा देना। और इस चैनल के अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस बार का वर्ड है बिलीव। बिलीव ये वर्ड लेके आप एक सेंटेंस फॉर्म कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं आपको मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। पिछली बार का सही आंसर दिया था JKP हिंदी, नंदिनी श्रीवास्तवा और मुस्तकिम चौधरी जीम ने। तो चलो तो यारों, मैं निकलता हूँ। और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, दूसरे डिपेंडेंट। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारों, मैं निकलता हूँ।